Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth, the study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of a clever imagination. आप सबका सथोलॉजी के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है और हमारा स्नेह हमारा प्यार इस शो के थ्रू आप लीजिए और अपना भी दीजिए. सो टुडे अमेजिंग डिस्कशन इज गोइंग टू हैपन एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड, मजा आएगा आपको बहुत ज्यादा. So today, let us welcome Dr. M.G. Augustine. Welcome to the show. Thank you. Always good to connect with you and talk with you. Just that I am running a little tight on time, so I am not able to give time to many people. Adi is there. He has been calling me. But travel has been really consuming all the time in the world. Yes, I can understand. और दर्शकों को बोल दो, इनका एक कंपनी है ऑटो माइक्रो यूएएस, इनके प्रोफाइल पे भी आप चेक कर सकते हैं. और उनके आई वाज रीडिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द नेम्स ओवर देयर, पांडा, वज्र, बीटल, बीटल प्लस, बी, शार्क. सो अमेजिंग कंपनी एंड डू चेक इट आउट. सब लोग दर्शकों देख लीजिए उसको एंड यू विल लव इट. मेरा एक चैनल भी है, वन नेशन वन वर्ल्ड करके. वन नेशन वन वर्ल्ड, एग्जैक्टली. तो वन नेशन तो भारतीय हुआ, वन वर्ल्ड भारतीय हुआ. पूरा भारत वर्ल्ड है. आई मीन उस पे हम कभी और एक प्रोग्राम करेंगे जरूर, जो प्रोटो संस्कृत की जो बात करते हैं लोग, दैट इज मदर ऑफ ऑल रिटन लैंग्वेजेस. एटलीस्ट इन द मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट we have gone up to influence up to Inca civilization. So Bharat one world bhi hai. आपको मैं बताऊं, मैंने वाल्मीकि रामायण से, मेरी बुक है the original atlas, उसमें मैंने प्रूव किया है GPS coordinates. तो पूरे वाल्मीकि रामायण में every single continent is covered. मतलब साउथ अमेरिका का नाम है पुष्कर, नॉर्थ अमेरिका का नाम है क्राउंच, ऑस्ट्रेलिया का नाम है शाल्मली, एशिया का नाम है जम्बूद्वीप, यूरोप का नाम है शक, और अफ्रीका का नाम है प्लक्ष. ये मैंने प्रूव किया है क्योंकि सुग्रीव जो है वो सब जगहों को रेफर कर रहा है बार बार. सो भारतीय कॉन्शियसनेस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड और इट इज सो एक्यूरेट कि वहां के लोग प्रार्थना क्या करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, वो भी मेंशन्ड है. सो दिस इज हाउ इट इज. मेरा बुक देखिएगा द ओरिजिनल एटलस, उसका पार्ट टू आने वाला है, मैजिकल वर्ल्ड, वो दूसरा पार्ट आने वाला है. तो अब हम भारतवर्ष के लोग, हम भारतीय लोग, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मिलिट्री स्ट्रेटेजी, तो थोड़ा बताइए कि आज के समय में ये जो वॉर चला यूक्रेन और रशिया का, जो अभी भी चल रहा है, एंड इज़राइल और हमास का तो कोई कंपैरिजन है भी नहीं, लेकिन फिर भी देर इज अ फाइट गिवन टू इज़राइलीज़ आल्सो. और तीसरा हुआ ईरान और इज़राइल का फिक्स मैच, एक ने दूसरे फेंका, दूसरे फेंका, उसके सब फुस. तो आज के समय में भारतीय सेना इन सब मिलिट्री स्ट्रेटेजी को कैसे देखेगी, क्या हम तैयार हैं? नहीं, इस सवाल को थोड़ा घुमा फिरा के आंसर करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. पहली बात तो देखिए, ये हमारा जो प्रोग्राम है, हम इसको ऐसा रखना चाह रहे हैं कि आम आदमी भी समझ जाए इस प्रोग्राम को. इसको देख करके लोगों को समझ में आए स्ट्रेटेजी क्या चीज है. आपको मैं बताऊं और दर्शकों को भी ये बताऊं, जैसे कहते हैं पूरी जिंदगी खप जाता है ये बात समझने में कि स्ट्रेटेजी क्या चीज है. लोगों की पूरी जिंदगी खप जाती है ये समझने में कि व्हाट इज स्ट्रेटेजी. तो स्ट्रेटेजी जो शब्द है उसको समझना और अपने जहन के अंदर, अपने खून के अंदर उतारना इज नॉट एन इजी टास्क. इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क. बट चलो इसको जरा डीमिस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे आज, तो इसको जरा सा सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे. स्ट्रैटेजी किस चीज से, कहां से इसकी शुरुआत होती है ये समझते हैं जरा. किसी भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले
स्पेशली हम वॉर स्ट्रेटजी की जब बात करते हैं, तो जनरल बनने से पहले हम एक एक साल का एक कोर्स करते हैं जिसमें हम अपना फाइटर फ्लाइंग या जो भी हम मूलतः जो मुख्य धारा में जो काम करते हैं तो फौजी, वो छोड़ करके हम एक साल सिर्फ एक तरह से मंक की जिंदगी जीते हैं। वो जिंदगी में, उस एक साल में हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेटजी कैसे किसी किसी भी सिचुएशन की कैसी स्ट्रेटजी बनाई जाए और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए पूरे एक साल। और इसमें हम दुनिया भर जगह जाते हैं, भारत का हर कोना विजिट करते हैं ये समझने के लिए कि अगर कल इस क्षेत्र में अगर लड़ाई छिड़ी या फिर दुश्मन ने आंख दिखाया तो वहां की स्ट्रेटजी, लोकल स्ट्रेटजी कैसे बनेगी, ग्रैंड स्ट्रेटजी कैसे बनेगी, नेशनल पॉलिसी से हम इसको कैसे डिराइव करेंगे। तो जैसे मैंने कहा ना, पूरी जिंदगी लोगों के खप जाती है स्ट्रेटजी समझने और बनाने। तो हम इसको जरा संक्षेप में, इनफैक्ट इन वन ऑफ माई वीडियोज मैंने ये एयर स्ट्रेटजी, एयर वॉर अगेंस्ट चाइना, इस पर पूरा का पूरा विश्लेषण के साथ विद एनिमेशन मैंने समझाया हुआ है, बहुत जल्दी मेरे चैनल पे भी आने वाला है। लेकिन विद डेजर्ट में हम इसको स्ट्रैटेजी को जरा समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रैटेजी में आदित्य, सबसे पहला जो काम होता है वो होता है एम। एम को डिराइव करना आसान नहीं है। हम जब मैं अध्यापक भी था, मैं सब लोगों को पढ़ाता था कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर में कि वॉरफेयर की स्ट्रेटजी कैसे करी जाए। आने वाले जो कुछ नए नए जनरल्स को, जो बन गए आज जनरल, उनको पढ़ाता था। हम कंप्यूटर के इस्तेमाल करते थे, गेमिंग करके और सिमुलेशन करके ये डिराइव करने के लिए कि आपका एम क्या होना चाहिए। चलिए हम इसको आम इंसान के भाषा में समझने की या समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बच्ची है, वो बायोलॉजी पढ़ रही है और वो पूरा अपना समय लगा रही है। उसका एक सिंगुलर एम होता है नीट के एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना। ठीक है, यस और नो आदित्य? यस एब्सोल्युटली नो, क्योंकि ये जो नीट के एग्जाम में मैक्सिमम मार्क स्कोर करना इज नॉट अ एम, इज अ ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स व्हाट एम, गेटिंग गुड जॉब, बिकमिंग बिकमिंग अ डॉक्टर। डॉक्टर। नो, बिकमिंग अ डॉक्टर इज ऑल्सो नॉट योर एम, बिकमिंग अ डॉक्टर इज ऑल्सो योर ऑब्जेक्टिव। टू सेव लाइव इज योर एम, समझ रहे हैं आप? तो अगर मैं बोलूं किसी को कि अच्छा नीट में अच्छा मार्क लाओगे तभी आपको मेडिकल में सीट मिलेगा, तो आपका एम होना चाहिए कि नीट में अच्छा मार्क लाया जाए। नहीं, वो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो एक पायदान है, पड़ाव है, हो सकता हो सबसे पहला पड़ाव है। अगला पड़ाव क्या है? आप नीट में अच्छा मार्क ला करके अपने दिल का या अपने इंटरेस्ट का कोई स्कूल कॉलेज मिले और अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट मिले, सर्जरी हो, एनेस्थीसिया हो, जो भी हो, वो दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो 5 या 6 साल जो आप पढ़ाई करते हैं उसमें उसमें अच्छा नंबर लाए और अच्छी तालीम ले और अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज ले, अच्छे अध्यापक के साथ रहें, अच्छे हॉस्पिटल में जाके आप उसको अपना इंटर्नशिप करें, ताकि फाइनल एम जो आपका ऑब्जेक्टिव अटेन करना है वो है टू सेव लाइव्स। तो ये एक, इसको समझने में लोग अधिकांश गलती करते हैं। पूरी, अब मैं जिंदगी में भी बात करता हूं, लोग 90% ऑफ द टाइम या 99% ऑफ द टाइम ऑब्जेक्टिव को एम मान करके चलते हैं।
जब आप ऑब्जेक्टिव को एम मानते हैं, उसमें तीन सबसे बड़े पिटफॉल्स, तीन सबसे बड़े प्रॉब्लम में आप आदमी फंस जाता है। अब मैं इस नीट के एग्जांपल को ही ले लेता हूं। एक बच्ची बहुत जोरदार पढ़ाई करती है और नीट में बहुत अच्छे अव्वल नंबर लाती है, बहुत बढ़िया कॉलेज मिल जाता है, स्कॉलरशिप मिल जाता है, उसके पसंदीदा सब्जेक्ट भी मिल जाता है, मान लीजिए सर्जरी पसंदीदा सब्जेक्ट भी मिल जाता है। लेकिन आप इस इतिहास गवाह है आदित्य, आप 100 टॉपर नीट एग्जाम के टॉपर को उठा करके देख लीजिए, 5 साल के बाद क्या वही लोग अव्वल नंबर में पास होकर के डॉक्टर बनते हैं या बर्न आउट हो जाते हैं? इस डेटा को जरा कंपेयर कीजिए। AIR 1 मार्क ला करके कोई IAS अफसर बन जाता है, लेकिन IAS के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मसूरी में जाकर के जब पास आउट होता है, क्या वो फिर से अव्वल नंबर पे पास आउट होता है? इस डेटा पे हमें रिसर्च करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप जिंदगी में ऑब्जेक्टिव को एम मान के चलते हैं, तो जब आप वो अचीव कर जाते हो, एक खालीपन आ जाता है आपकी जिंदगी में, क्योंकि आप उसको एक ऑब्जेक्टिव को एम मान करके चले। सो योर एम हैज टू बी, एम कैनॉट चेंज वेरी ऑफन, इट हैज टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, बहुत जरूरी है। सो जब हम मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो पहले सबसे पहले एम बनाते हैं, एम बनाना चाहिए, जिंदगी में भी अप्लीकेबल है। एम के नीचे आप उस एम को पाने के पायदान बनाते हैं, जिसको ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है अंग्रेजी में। सो रणनीति जो है, जो आपकी मल्टी प्रॉन्ग्ड रणनीति जो है, आपकी एक लक्ष्य उसके तरफ लेके जाता है। लक्ष्य एक है, नीतियां अलग है। नीतियां कभी कभी सीरियल सीरीज होती हैं, नीतियां कभी कभी पैरेलल होती हैं। सीरीज नीतियों का मैं आपको अगर उदाहरण दूं, आप सोच लीजिए रावी नदी है, रावी नदी के उस पार एक छोटा सा मिलिट्री कंटोनमेंट है, उसको हमें कैप्चर करना है। मेरी रणनीति क्या रहेगी कि सबसे पहले मैं इंजीनियर को बोलूंगा ये पता करने के लिए रात के अंधेरे में कि क्या मैं ये नदी पार कर सकता हूं रात को, कैन आई फोर्ड दिस रिवर और डू आई मेक नीड टू मेक अ ब्रिज। तो फर्स्ट वो इंफॉर्मेशन आएगा, उसके बाद हम उसको ये एस्टैब्लिश करेंगे कि अच्छा रात को हम ब्रिज बनाएंगे, या फिर जो डिप्लॉयबल ब्रिज है उसके जरिए हम टैंक को उस पार भेजेंगे। टैंक उस पार जाएगा, इनको चारों तरफ से घेरेगा और इस दुश्मन की जो मिलिट्री छावनी है हम इस पे कैप्चर करेंगे। इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं आदित्य, इसमें सीरीज एक्शन क्या है। टैंक उस पार जाने के लिए आपको ब्रिज बनाना है, तो टैंक बिना ब्रिज बनाए उस पार नहीं जा सकता, तो ये हो गया सीरीज। टैंक चाहिए पहले, फिर उस पार टैंक उस पार जा सकता है। टैंक ब्रिज बनाने से पहले हमको ये रिवर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी एक सीरीज एक्शन हो गया। पैरेलल एक्शन क्या है, क्या हम इसको एयर ब्रिज कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर द्वारा कुछ लोगों को पहले से ही स्पेशल फोर्सेस को उतार सकते हैं। ब्रिज बनते समय, टैंक उस पार जाते समय अगर कोई माइन बिछा हो, एंटी माइनिंग एक्टिविटी हो सकती है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इंटेलिजेंस क्या कहता है कि उस तरफ माइन है कि नहीं है, तो एक स्पेशल दस्ते को आप बनाते हैं, घातक फोर्स को बनाते हैं रात के अंधेरे में, या टुकड़ियों में उनको इंसर्ट करते हैं, वो जाकर के उस एरिया का मुआयना करते हैं और आपके एरिया को सिक्योर करते हैं उस तरफ। ये हो गया पैरेलल एक्शन। टैंक के साथ साथ आप इन्फेंट्री को भेजते हैं ताकि इन्फेंट्री टैंक पैरेलली चारों तरफ से घेरे और उस छावनी को हम उसको कैप्चर करें। ये होता है रणनीति, नीति जो एक साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं, नीति जो है एक के बाद एक होकर के चलते हैं। तो ये हो गया मोटा मोटी, मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि आपका रणनीति किस आधार पे बेस होना चाहिए और पैरेलल रणनीति क्या है और सीरीज रणनीति क्या है।
कंधे से कंधा मिला करके चलने वाली नीतियां क्या हैं, एक के बाद एक आने वाली नीतियां क्या है, ये होता है स्ट्रेटजी। और एक और मैं मजेदार बात बताऊं आपको, जब आप उस फौज को बिलोंग करते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जैसे कॉर्नर प्लॉट्स बेच रहे हैं या डायपर बना रहे हैं या दूध की फैक्ट्री चला रहे हैं या बकरा बना रहे हैं, बकरा लाइव लाइव स्टॉक बेच रहे हैं, फौज पाकिस्तानी फौज ये सब कामें भी करती हैं, तो ऐसे में या ऐसे फौज में एक हायर लेवल की थिंकिंग की बहुत कमी हो जाती है। और ऐसा फौज हमेशा, ये फौज जो है रणनीति का जो स्ट्रेंथ है इनका कम होता है और रणभूमि में ये फेल हो जाते हैं। वो तो फिर अमेरिका फेल कैसे, वो तो फिर अमेरिका का भी यही हाल है, किसी भी देश का। देखिए जब अभी मैं कहना तो नहीं चाह रहा हूं, लेकिन कोई भी देश जिसके सरजमी पे आप अगर लड़ाई नहीं कर रहे हो, जैसे अमेरिकाज, नॉर्थ अमेरिकाज, जिसमें कनाडा भी आपका वैसल स्टेट है और मेक्सिको के साथ भी आपका वही ऐसा रिश्ता है कि मेक्सिको आपको आंख नहीं उठा के देख सकता, आपके साथ कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं कर सकता, और उसके पास इतना बढ़िया वेपन भी नहीं है क्योंकि वो उनका इकोनॉमी पूरा ड्रग्स में इन्वॉल्व है फ्रॉम कोलंबिया। तो ऐसे आप सिचुएशन में जब रहते हैं तो आप अपने सरजमी पे कोई लड़ाई नहीं करते हैं। तो आप इसको एक इकोनॉमिक नजरिए से देखते हैं आपके फौज को कि बैंक फॉर द बक क्या है, इसको किस तरह से बांट दिया जाए, होम गार्ड बना दिया जाए, गार्ड ये होम गार्ड्स को या फिर जो गार्ड फोर्सेस हैं फौज के अंदर ही जो गार्ड्स हैं इनको होमलैंड डिफेंस में ट्रांसफर कर दिया जाए, जैसे हमारे यहाँ होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो होमलैंड डिफेंस में ट्रांसफर किया जाए। तो ये सारी चीजें जब आपके मन में या आपके आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में ऊपर आ जाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इकोनॉमी बेस्ड स्ट्रक्चर, तब सबसे पहले क्या मार्क आता है वो है स्ट्रेटजी, रणनीति। आप जब आप कोई भी चीज को इस तरह से तोड़ मरोड़ करके ऐसे बनाते हैं कि कम से कम पैसा खर्च करना पड़े पीस टाइम में, वॉर टाइम में इनका तालमेल बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी मैं दर्शकों को एग्जांपल दूं, अगर किसी फैमिली में भाई चार भाई हैं और चारों एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही चूल्हा है, एक ही घर से खा रहे हैं, उनकी एकता, उनके उनका तालमेल, उस फैमिली के खिलाफ कोई मुंह आवाज नहीं उठाएगा, उस फैमिली का उनके उस गांव में वो उनका वर्चस्व अलग होता है। अगर ये चारों भाई अलग अलग चाहे बगल बगल में ही घर हों, मतलब अलग अलग घर में रहने लगे, उनका वर्चस्व अलग होता है। तो यही ये वो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, होमलैंड सिक्योरिटी वर्सेस मरीन्स वर्सेस एयरफोर्स वर्सेस आर्मी वर्सेस नेवी। तो अगर तालमेल के साथ आपको लड़ना है तो आपको एक कंफ्यूजन नाम की चीज नहीं होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी में, आपकी रणनीति में। एक जो अमेजिंग आपने लाइक इट्स अमेजिंग वे यू पुट इट आउट एंड यू आल्सो कंपेयर्ड, बाकी सबको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा अब तक कि व्हाट वी आर सेइंग एंड व्हाई वी मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कि गुड आर्मी में और अच्छी जो रणनीति में, गुड स्ट्रेटजी और बैड स्ट्रेटजी में क्या फर्क होता है, इन द मिलिट्री पार्लेंस कैसे होता है। You said the same thing. And in the corporate world, we start with a mission statement, the vision statement, and then we come out with the actually objectives, which is a third level of decision making. Or वहाँ पे tactical managers involved होते हैं, line managers involved होते हैं. So we एक
एक मुझे लाइक इफ यू पुट इन द टुडेज कॉन्टेक्स्ट में अगर हम एनालाइज करेंगे, जैसे कोई अगर मिलिट्री, आप यू आर ए वेरी वेल एक्सपीरियंस पायलट, और इसलिए मुझे मजा भी आता है आपसे बात करने के लिए, MiG-21 और मिराज 2000, एंड यू आर ऑल्सो ए PhD इन पैराजंपिंग विच इज अमेजिंग. PhD इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज. सो आज स्ट्रेटेजी की जो बात हो रही है, सो आई डिड MPhil PhD ऑन स्ट्रेटेजी. मैं स्ट्रेटेजी बताया ना, तो जिंदगी खप जाती है स्ट्रेटेजी सीखते सीखते और सिखाते सिखाते. आई मीन पूरा रामायण महाभारत में नीति की बात होती है. नीति 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 नीति, व्हाट इज द नीति, व्हाट इज द नीति, व्हाट इज द पॉलिसी. और जब मैं लक्ष्य अमेरिकन लक्ष्य जब मैं अमेरिकन पॉलिसी, द लॉट ऑफ कंसल्टेंट्स इन अमेरिका जो पॉलिसी पे काम करते हैं, और वो उनके जीवन का भी खुद का पॉलिसी नहीं होता है, मीन्स दे ऑल पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी में बहुत लोग काम करते हैं. नाउ टेल मी वन थिंग, कि अगर हमने आज के संदर्भ में, जैसे मेरा पॉइंट था कि क्या कि भारत कितना तैयार है आज, कितना तैयार है, और वी नो दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज डन अमेजिंग वर्क इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री रेडीनेस ऑफ इंडिया. कि आज अमेरिका भी आंख उठा के नहीं देख सकता है, एंड विच वी हैव सीन इंडियन नेवीज एक्शंस इन रेड सी, और जितना तरीके से इंडियन नेवी ऑपरेट्स विद 11 डिस्ट्रॉयर्स, उन्होंने मतलब जितने भी 3-4 डिस्ट्रॉयर्स दे पुट आउट, फ्रिगेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स. तो हाउ डू यू सी यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, एंड हाउ डू यू कंपेयर इंडिया स्ट्रेटेजिक विद द बिगर फाइट्स? पाकिस्तान आई एम नॉट कंसिडरिंग एन एनिमी एट ऑल, बिकॉज पाकिस्तान कैन बी न्यूट्रलाइज वेरी क्विकली बाई इंडिया, बट नन द लेस इट्स ए न्यूसेंस फैक्टर ऑन इंडिया वेस्ट. लेकिन ओवरऑल स्ट्रेटेजी में चाइना हैज बिकम प्रोमिनेंट और वो सब. सो हाउ डू यू कंपेयर रशिया स्ट्रेटेजी विद यूक्रेन विद इंडिया स्ट्रेटेजी फॉर द IOR रीजन और डोमिनेशन, उसको आप कैसे देखते? बहुत इस पे एक अलग से एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा आपको. इट्स अ वास्ट 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 सब्जेक्ट, बट इसको चलो संक्षेप में हम एक क्या बोलते हैं इसको, मैं लिख लिया, कैटेगरी मैंने की लिख तरह. लिया, हाँ, मैंने लिख लिया है. नेक्स्ट प्रोग्राम इससे डिटेल में जाएंगे हम. यस तो एक एक कर्टन रेजर की तरह इसको डिस्कस किया जा सकता है. देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि आपको एनिमी को डिफीट करना है कि नहीं, दैट इज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. तो हाउ डू यू डू दैट इज द क्वेश्चन. क्या वॉर एकमात्र साधन है? नहीं. तो यहीं पे हमारी जो चाणक्य नीति है ना, वो यहां पे काम आती है, क्योंकि भारतवर्ष को जो मिला है विरासत में, वो है नॉलेज, वो है उसके सारे वेद, और वो है बहुत हमारे ऋषि मुनियों की किताब. तो वी ड्रॉ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम ऑल दिस, महाभारत रामायण. इसको कोई भी हमारा किताब, भारतवर्ष को कोई भी किताब को आप उठा के देख लीजिए, इट इज नॉट अ रिलीजियस बुक, इट इज अ बुक हाउ टू लिव योर लाइफ, स्टेटक्राफ्ट, जियोमेट्री, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, हर चीज है. और उसमें एक चीज जो नहीं है वो है रिलीजन, है ही नहीं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे लिए धर्म जो है वो सब कुछ है. घर को चलाना धर्म है, देश को बचाना धर्म है, गांव को एक साथ रखना धर्म है, और सही तरीके से खेती करना धर्म है. सब कुछ हमारे लिए धर्म है. तो आप जब ये देखते हैं और चाणक्य नीति पढ़ते हैं, सब हम फौज में चाणक्य नीति बहुत सीरियसली उसको उसके अध्ययन करते हैं, उसको डाइसेक्ट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं. चाणक्य नीति में टैक्टिकल चीजें भी हैं, बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम है. पोजिशंस हैं,
अगर आपका एनिमी इस तरह से है तो आप किस पोजीशन में उसको अटैक करेंगे, क्या फॉर्मेशन रहेगा आपका, जैसे रोमन्स फॉर्मेशन बनाते थे ऐसे डंडा मंडला इस तरह के अलग 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 फॉर्मेशन से, जो उस समय के लिए था लेकिन आज भी उसको हम अडॉप्ट करके इस्तेमाल करते हैं। उस समय हाथी के फॉर्मेशन हुआ करते थे, हम उसको हाथी की जगह अगर हम टैंक लगा देंगे तो हम उसको किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं वो देखा जाता है। तो चाणक्य नीति में सबसे बड़ा नीति क्या है, एनिमी को उस तरह से हराना है जहां आपको एक तीर भी ना चलाना पड़े। दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ वॉरफेयर। दैट इज वाई आई से एम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज देखिए पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति किस तरह से खराब हुआ हुआ है कि लोग वहां खाने पीने के लिए मोहताज, और क्या इनके इकोनॉमिक आइसोलेशन में क्या भारत का कोई हाथ नहीं है, ये मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये जवाब नहीं दूंगा आपको, मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या भारत का हाथ नहीं है कि उनकी आर्थिक जो आज इनकी आर्थिक स्थिति इतनी बद से बदतर हुआ है, अगर बिल्कुल है। यस वो ये सवाल है, मैं सवाल छोड़ के जाना चाह रहा हूं, मैं उसका जवाब नहीं दे रहा हूं, और इसके उनका उनका खुद का भी हाथ है कि नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और उस अगर वो खड्डे में जाने की कोशिश कर रहे थे, क्या हमने अपने तरफ से एक छोटा सा धक्का मारा कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, डिमोनेटाइजेशन और इसमें हमें एक भी गोली नहीं चलानी पड़ेगी। आप जो जिया उलग का 1000 कट क्या हुआ, आज उन्हीं के ऊपर 1000 कट होने लगा है ना। तो ये है स्ट्रैटेजी कि दुश्मन को ऐसे हराओ कि हम एक तीर भी ना चलाना पड़े। वो दिन दूर नहीं आदित्य जी, आप लिखित में ले लीजिए, ये प्रोग्राम हो सकता है लोग आकर के देखें आगे जाके, वो दिन दूर नहीं है जब वो हमसे दरख्वास्त कर रहे होंगे या फिर भीख मांग रहे होंगे कि हमें आप वापस से अपने भारत की छत्र छाया में ले लीजिए। वो दिन दूर नहीं है और हम आप वो दिन देखेंगे। अपने लिए ये सियासतदानों के अपने लिए ना सही, अपने आवाम के लिए तो जरूर कोई ना कोई आकर के ये गुहार जरूर लगाएगा हमारे दरवाजे पे कि हमें वापस भारत के साथ शामिल कर लीजिए। आज वो वापस से भारत में अगर शामिल हो जाते हैं तो उनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व है, उनके आवाम इस बात को जानता है, बखूबी जानता है। आप जो उन पीओके जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां जाकर के किसी से भी पूछ लीजिए, वो यही बताता है कि हमें उस तरफ के जो कश्मीर के जो खुशहाली है, उस तरफ के कश्मीर की जो उन्नति है, उसका शरीक होना पसंद है, ना कि इस जाहिल देश के साथ रहना। ये कैसे मुमकिन हुआ, क्या हमने जाके जंग किया, नहीं। अगर उसी को आपका सवाल को मैं ले रहा हूं, उसी तरह से अगर अब रशिया यूक्रेन के साथ पेश आता, उनको अपने तरफ लेता, जैसे बेलारूस है, कल का परसों का आप न्यूज देखेंगे, लुकाशेंको ने साफ साफ कह दिया भाई पोलैंड को, अगर आप रशिया की तरफ आंख उठा करके देखेंगे, बेलारूस आपके आपके ऊपर परमाणु हथियार से हमला करेगा, जबकि रशिया और पोलैंड का कोई कॉमन बॉर्डर नहीं है, बेलारूस और पोलैंड का है। क्यों? क्योंकि बेलारूस को जो चाहिए रशिया देता है, और मतलब लेन देन का एक रिलेशनशिप है, अब आपसी भाईचारा का एक रिलेशनशिप है, जैसे कनाडा और यूएसए। तो इस जब आप इस तरह से यूरोपियन यूनियन देख लीजिए, जिनके जीवन काल में एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वो आज एक करेंसी यूज करते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते हैं और पता भी नहीं लगता। आई ड्रोव डाउन फ्रॉम एम्स्टरडेम टू ब्रुगस, आई क्रॉस मेनी कंट्रीज थ्राइस ओवर, केम थ्रू नॉर्मेंडी, आई ड्रोव द एंटायर ऑफ मार्केट गार्डन रूट फ्रॉम नाइमेहन टू दी ब्रिज, एंटायर ऑफ मार्केट गार्डन रूट मैंने ड्राइव करके गया और देखा जो इतिहास में पढ़ा था, और कहा क्या हुआ था उस समय, तो कितने लोग
मारे गए थे वो नदी पार करते करते। आज पता भी नहीं लगा कि आप एक देश से दूसरे देश को आएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को जो आर्थिक स्टेबिलिटी है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्लेट में खाना आना चाहिए, भुखमरी नहीं। और आज पाकिस्तान के आवाम के प्लेट में भुखमरी है, खाना नहीं है, आटे के लिए देखे मोहताज हो रहे हैं। आटे जो आटा मिल रहा है उनको, उसमें 60-70% मिलावट है, चूना मिला के आटा बेच रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखिए, जैसा जैसा भी हो, 47 से पहले तो वो भारतीय ही तो थे। 47 में किसी ने लकीर खींच करके अपने दूसरा देश बना दिया, और जस्ट एक लाइन के उस पार लोग भूखों मर रहे हैं और लाइन के इस पार आप खीर पूरी खा रहे हैं। तो ये है तो नाइंसाफी, और ये कैसे संभव हुआ विदाउट फायरिंग अ सिंगल शॉट? तो वो है स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी की आप जब बात करते हैं, तो सबसे पहले आप अपना एम निकालते हैं और उसको दुश्मन को बताते नहीं आप कि मेरा एम ये है और मेरे एम को अचीव करने के लिए मैंने ये ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है, और ये ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म है, ये ऑब्जेक्टिव मेरा लॉन्ग टर्म है, और ये ऑब्जेक्टिव मेरा सुपर लॉन्ग टर्म है। कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स आदित्य कॉमन इन एम की तरफ भी होता है, जैसे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एम है टू फिनिश और डिफीट पाकिस्तान इन केस ऑफ वॉर, दैट इज माय एम। माय शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स आर मिलिट्री, माय लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आर लॉजिस्टिकल मोस्टली। ठीक है, कि मेरे लॉजिस्टिक्स या मेरा जो सेंट्रल इंडिया में जो मेरा कोर है, जो भी कोर है, 4 कोर 5 कोर जो भी नंबर है, वो जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर एरिया में आ जाए, और आज के तारीख में उनको आने का टाइम क्या है और उनका आने का मोड क्या है, रेल, रोड और हवाई मार्ग से वो जम्मू पहुंचेंगे। हवाई मार्ग वाले कौन कौन होंगे, क्योंकि वो सबसे पहले चाहिए ना मुझे इंजीनियर्स। रेल में कौन आएगा, रोड में कौन आएगा, ये सारा प्रोग्राम बनाते हैं हम, प्लान बनाते हैं। ठीक है, और हम इस्तेमाल करते हैं क्या, रोड। लेकिन देश की आर्थिक स्थिति अव्वल नंबर पे आए, या 2025 में हम नंबर 3 इकोनॉमी में आए, वो भी एक एम है। उस एम के लिए हम क्या बनाते हैं, रोड। तो आप देखिए, लॉन्ग टर्म एम अचीवमेंट के लिए जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन रोड्स, रिमेन्स द सेम। तो आप इस तरह से बैठ करके, भारत में तो ये होता है, मैं जानता हूं क्योंकि मैं उसके पार्ट था, तीनों बैठ करके हम देखते हैं भाई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स का स्पिन ऑफ क्या क्या हो सकता है और उसको किस तरह से एक्सेलरेट किया जा सकता है और कौन कौन इसमें सपोर्ट करेगा हमको। तो मल्टी मिनिस्ट्रीज की तालमेल, और उन मल्टी मिनिस्ट्रीज को दिया गया जो ग्रांट है उसका कॉमन इस्तेमाल, ये सारी चीजें, जैसे बॉर्डर रोड्स हो गए, एकदम थोड़ा बॉर्डर रोड्स हैं, कहीं कोई रोड जाकर के बॉर्डर रोड को छूता है, उसके बाद बॉर्डर रोड की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस रोड को बनाना या मेंटेन करना। तो उनको जो ग्रांट्स मिलते हैं वो, और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को ग्रांट्स मिलते हैं वो, मिला करके कैसे 2 और 2 5 किया जाए। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, कूटनीति एक स्ट्रैटेजी है, सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आप बंदूक उठा करके ये नहीं करते हैं कि चलो आज डोनबास में अटैक किया जाए, नहीं, वो गलत है। जो हुआ, वन फाइन डे जे जस्ट अटैक डोनबास और वट एवर, नहीं होना चाहिए था ऐसे। अगर मैं पुतिन का सलाहकार होता तो मैं उनको बोलता, भाई हमारा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये हमारा एम है, इसको हम इस तरह से अचीव करेंगे बिना गोली मार। तो सी, वॉर और फाइट या हाथापाई
इज लास्ट ऑप्शन। बहुत ही मतलब अगर आप हर चीज में फेल हो गए तब जाके आप वॉर करते हैं। इसका ये भी मतलब है आदित्य कि आपकी कूटनीति, आपका इकोनॉमिक रणनीति, आपका फॉरेन कंट्रीज के ऊपर आपका प्रभाव या आपकी दोस्ती, ये सब अगर फेल है तब आप जाकर के जंग लड़ते हैं। क्या अगला सवाल है आदित्य, क्या आप अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हैं कि मेरी ये सारी मिनिस्ट्रीज और ये मेरे सारे मिनिस्टर्स और ये मेरे सारी प्रणालियां फेल हो गई जिसकी वजह से मैं आज गोली चला रहा हूं, कैसे फेल हुई, क्या ये रिवाइव हो सकता है गोली चलाने से पहले? ये सब चीज पे विचार विमर्श होती है जब तब जाकर के जंग का ऐलान होता है। और आज भारत हर क्षेत्र में, इकोनॉमिक हो, कूटनीति हो, या विदेश रणनीति हो हमारी, या विदेश विदेशी कंट्रीज के साथ हमारा फ्रेंडशिप हो, या उन पे वर्चस्व हो, या फिर यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र में हमारा वर्चस्व हो, हर चीज में हम ऊपर हैं। ये सारी प्रणालियां जब फेल हो जाती हैं तब जाकर के आप पहला गोली चलाते हैं। मेरा ये सवाल है दर्शकों को भी आपको भी, क्या हम इन सब में वीक हैं? क्या नहीं है? इन सब में आज के तारीख में 47 के बाद सबसे स्ट्रांग हैं हम। तो ये सारी जो जो स्तंभ हैं, ये सारे स्तंभ जब गिर जाते हैं, एक भी स्तंभ खड़ा हो, हम उसके सहारे लड़ाई ना करने की कोशिश करते हैं। अगर ये सारे स्तंभ गिर जाए तब जाकर के हम बोलते हैं चल भाई ऑल ग्लव्स आर ऑफ, नाउ लेट्स हैव 1-to-1, यू अंडरस्टैंडिंग? सो एंड ये क्लैरिटी क्या सब देश के फौजी अफसर के मन में है? ये भी एक सवाल है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? विरासत जो हमें मिला है उन्हें नहीं मिला है। मैं हमेशा ये कहता हूं, अगर आप कोई अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम करते हैं, कोई पुण्य का काम करते हैं, तो अगले जन्म में आपको भारतीय बनने का मौका मिलता है। क्योंकि आप भारतीय बनते हैं तो आपको ये सारी चीजें, आपको पता भी नहीं होगा कि आपको कैसे आपके जहन में आ गया है। आप भारतीय ना, एक भारतीय हूं या एक भारतीय ना हूं, इन दोनों के बीच का फर्क आप जब देखते हैं कि जो हमें मिला है विरासत में, जो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ द वे वी कंडक्ट आवर बिजनेस डे टू डे ऑन द रोड, इन द हाउस, इन द स्कूल, इन आवर विलेज, इन आवर टाउन्स, इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विच इज वाई वी आर सो इंडियंस आर सो सक्सेसफुल। वी थिंक पैरेलली, वी फायर मल्टीपल न्यूरॉन्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज वी स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड एवरी लैंग्वेज फायर्स न्यूरॉन्स इन अ डिफरेंट पाथवे टू रीच अ सोल्यूशन एंड वी कैन डू इट पैरेलली। आई एम नॉट सेइंग सम ग्रेट ही मैन और समथिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आप इस देश में, इस भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, जो बाकी देशों से काफी आगे था बुद्धि में और सोच विचार में, कल्चर में, हर चीज में, दवाइयों में, एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में, ज्योमेट्री ज्योग्राफी में, तो बाकी दुनिया को हम तक पहुंचने में अभी कुछ समय लगेगा। कुछ समय नहीं, कहीं बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि बाकी हर जगह अपना अपना लोगों का ब्लॉकेड है। वो ब्लॉकेड कब टूटेगा, वो दीवारें कब गिरेंगी, इसका कोई अंदाजा नहीं है। हो सकता है 500 हजार साल के बाद वो लोग कैचअप कर जाएं, और तब तक तो पूरा दुनिया ही भारत बन जाएगा जैसे बिल्कुल था सही पहले। बात, बिल्कुल सही बताया आपने। एक्चुअली अगर हम विरासत की बात करें, आपने बहुत ही अच्छा बात किया, जो हमारे पास धरोहर है, वैदिक धरोहर है,
एंड फॉर दैट रीजन हम लोग आज हैं, जो हैं वो हैं उसी की वजह से हैं, इतना सब होने के बाद भी बचे हुए हैं, लाइक इट्स ए रिमार्केबल थिंग। बाकी सब जगह तो खत्म हो गया सब कुछ। मैं अगर इसको और इस तरह का जो थॉट है जो हम लोग बात कर रहे हैं इस समय, वो दुनिया की सारी नेटिव और इंडिजिनियस कम्युनिटीज में भी है, सेम है, सेम थॉट। बिल्कुल है, बिल्कुल। आप नेटिव, आप अमेरिकन इंडियन को बात करेंगे तो वो यही बताएगा आपको कि जो जैसे वो भी ये मानते हैं कि आकाश हमारी छत है, भूमि हमारी माँ है, इसे सेक्रेड लैंड फॉर देम, हवा हमारे देवता है, ऐसे नेटिव अमेरिकन इंडियन बात करते हैं, और मेरे से तो बहुत बात करते हैं इस बारे में, बिकॉज दे फील कनेक्टेड टू अस, विच इज ट्रू। सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इज फ्रॉम आवर भारतवर्ष। भारतवर्ष, आप यूरोपियन नेटिव्स की बात करें, लोग भूल गए हैं कि शामी लोग जो यूरोप में रहते हैं वो सारे इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, वो भी यही मानते हैं कि उनका घर भारत है। और रशिया के शमन, रशिया के तुर्की के शमन, मंगोलिया के शमन, ये सभी शमन मतलब हमारे पूर्वजी मानने, शमन इज ए पेजोरेटिव वर्ड जो यूज किया जाता है, लेकिन वो भी अपने आप को भारत से कनेक्टेड मानते हैं, वो बिल्कुल सभी लोग मानते हैं। और एक पुतिन का स्टेटमेंट था प्राइम मिनिस्टर मोदी को, उन्होंने बोला था कि यू आर ए एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड यू नो वेज हाउ टू वर्क इट आउट। हम एंशिएंट नहीं है तो हम रिएक्ट जल्दी करते हैं। तो उसने बोला ये आपके बीच में हमारे बीच में डिफरेंस है कि आपका स्ट्रेटेजी बहुत लॉन्ग टर्म होता है, हमारा बहुत ही शॉर्ट टर्म रहता है। एंड ही एडमिटेड दैट कि हमारा पेशेंस कम है, और अगर कोई हमारे बॉर्डर पे आता है तो हम सीधा, हमारे पास कोई और रिजॉर्ट नहीं है, हम सीधा मिसाइल फेंकने वाले और कुछ नहीं करने वाले। एंड दैट द कल्चरल नॉमैडिक ट्राइब, हाँ वो माइंडसेट से 200-300 साल पहले आ देते हैं लोग, जर्मैनिक जो ट्राइब्स थे, क्या थे, हंटर गैदरर्स, करेक्ट, हथौड़ा उठाओ मारो, आज पैंट शर्ट पहन लिया तो क्या उनका जहन तोड़ना बदल जाएगा। एग्जैक्टली, आप अमेरिका में तो आप बहुत बार घूम चुके, आपको मालूम ही है कि अगर कोई आर्गुमेंट होता है सीधा पिस्तौल निकाल लेते हैं लोग, निकल जाता है 2 मिनट में, और घर कार में भी रखते हैं कि किसने किया तो शूट कर देंगे उसको नीचे से। सेकंड अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, उसका एडवांटेज भी उठाते हैं हम लोग, लेकिन मैं तो मेरे पास है सारा वेपन्स तो उठाते हैं हम लोग उसका एडवांटेज। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अमेजिंग कन्वर्सेशन, पर पहली बात दर्शकों को बोलूंगा कि प्लीज गो टू हिज ट्विटर चैनल, ट्विटर एमजे, यू कैन सर्च हिज नेम ऑन द ट्विटर, यू विल गेट हिज थिंग, फॉलो हिम, और उनके प्रोजेक्ट्स आप देखिए, उनके कमेंट्स आप देखिए। एक मेरे अंदर एक क्वेश्चन आता है इसमें कि नाउ इन द इवॉल्विंग स्केप, एंड यू पुट इट वेरी नाइसली दैट यू हैव टू एग्जॉस्ट ऑल द पिलर्स, फिर उसके बाद आप लास्ट पिलर पे आते हैं जो कि है एक्चुअल वॉर मेकिंग। हमारे जो पिछली जो भारतीय गवर्नमेंट्स थी, जो फॉरेन मानसिकता पे चलती थी, जो फॉरेन मीडिया के रिपोर्ट्स पे चलती थी, आज वो भी डिस्ट्रक्शन, उसका डिस्ट्रॉय हो गया है, कि सारा जो फॉरेन मीडिया है वो दे आर जस्ट राइटिंग ऑन द टैक्टिक्स ओनली, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि सारे लोग वही माइंडसेट से आते हैं, गन कल्चर के माइंडसेट से, कि उनको लगता है कि किसी को फोर्स करेंगे तो दब जाएगा, लेकिन इन लोगों के चक्कर में भारत दब नहीं रहा है, एंड दैट इज द बिगेस्ट फॉली फॉर देम। और जब भारत का मिलिट्री एक्शन देखते हैं वो लोग, रेजोल्यूट मिलिट्री एक्शन, और आप मुझे बताने वाले थे एक बार कि ये सारा जो मिलिट्री सील्स है सब आते हैं भारत में ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, एंड यू आर टेलिंग मी एंड देन हाउ वी इन एवरी सिंगल एक्सरसाइज वी हैव बीन प्रूव्ड बेटर एज ए सोल्जर आल्सो। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि हाउ डू वी कंपेयर टुडे इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री इफेक्टिवनेस, अगर इन लोगों के साथ हम बात करें। देखिए अभी मैं आपको बोलूंगा ना, दर्शकों को भी, आपको भी, आपको बड़ा क्लीशेड लगेगा, लेकिन आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप समझ जाएंगे। इसका श्रेय जाता है आदित्य सिर्फ और सिर्फ सूर्यदेव को। क्यों सूर्यदेव को जाता है, आप जरा सोच करके आप मुझे 2-4 पल्स ऑफ विजडम दीजिए, मैं उस पर और आगे बात ले जाऊंगा। सिर्फ सर सिर्फ द क्रेडिट गोज कंप्लीटली टू द सन। लेट टेल मी व्हाई आई एम सेइंग दिस, व्हाट डू यू थिंक आई एम सेइंग दिस। भारत, अच्छा मैं इस पे एक अलग, तो इफ आई स्टडी द ज्योग्राफी, अगर पूरे दुनिया की, भारत इज द ओनली कंट्री जो फुली पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य हर जगह है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ,
और जो लोग इसके हुआ है। ये जो लोग इसको जानते नहीं है ना उनको इल्म नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ। जो नॉर्थ ऑफ 23 डिग्री नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ 40 डिग्री नॉर्थ में जी रहे हैं उनसे जाकर के पूछिए, अलास्का में जो जी रहे हैं 6-6 महीना वो लोग सूरज को नहीं देखते और 6-6 महीना सिर्फ मंद मंद उनको सूरज का वो रोशनी मिलता है, तो ये सिर्फ सूर्यदेव को जाता है। सो मैं ये मैं एक दो जगह और भी बोल चुका हूं, देखिए हम भी अंटर गैदरर्स थे, जो यूरोपियन पॉपुलेशन था वो भी अंटर गैदरर था, जैसे अभी मैप लगाया आदित्य ने, जो आप यूरोप के सॉरी इक्वेटर के बेल्ट के चारों तरफ देखिए 20 डिग्री ऊपर 20 डिग्री नीचे, इक्वेटर की 20 डिग्री ऊपर या 20 डिग्री नीचे या मैक्सिमम 30 डिग्री, सबसे विकसित सिविलाइजेशन इसी बेल्ट पर आएंगे, इसी बेल्ट पे विकसित सिविलाइजेशन। रीजन क्योंकि सारा आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जिंदगी हो सब कुछ ही सूर्यदेव पे डिपेंडेंट था, सूर्य के बिना कुछ हो ही नहीं सकता था। इसका एक संक्षेप में आंसर है सूर्यदेव की कृपा। अमेजिंग अमेजिंग सूर्यदेव की कृपा एग्जैक्टली। अच्छा इसमें एक मैं आई थिंक यू आर टॉप ऑफ द आवर तो आपको जाना भी है बिकॉज मैं पार्ट टू में आपको मैं उस विषय पे डीप से लेके आने वाला हूँ जिसमें हमने बात किया है। एक मुझे बात बताइए, बस एक लास्ट क्वेश्चन है इस एपिसोड के लिए कि जब हम देखते हैं कि भारतीय स्ट्रेटेजी और वेस्टर्न स्ट्रेटेजी में अंतर तो बिल्कुल साफ दिख जाता है कि हमारी लॉन्ग टर्म है उनकी शॉर्ट टर्म है, उनका इमीडिएट गेन्स और उनका ना एक और चीज आ देती है उनका ना कनेक्टेड नहीं है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे हम जब एम बनाते हैं हमारा एम और ऑब्जेक्टिव जो है वो टॉप सीक्रेट है, हम किसी को नहीं बताते वो, क्योंकि उसी पे सारा कुछ वो एक किंग पिन है या किसी भी चक्र का बीज का जो उसका हब है वो है, तो हम इसीलिए हम किसी को नहीं बताते और वो नेशनल लेवल पे होता है ना कि आर्मी या एयरफोर्स या आर्म्ड फोर्सेस के लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है और वहां से वी ड्रॉ आवर ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग द फॉरेन मिनिस्ट्री इंक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंक्लूडिंग द होम मिनिस्ट्री, हम सब वहां से अपना प्रेरणा हमारा ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, तो हर एक जगह पे हम उसको कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ कि ये मेरा एम है, फॉरेन मिनिस्ट्री का ये ऑब्जेक्टिव है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये ऑब्जेक्टिव है, हम इस ऑब्जेक्टिव में कहां तक पहुंचे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर वी क्वांटिफाई इट, वी मीट एवरी वीक और एवरी 15 डेज और एवरी मंथ वी क्वांटिफाई इट, हम गलत हो ही नहीं सकते आदित्य क्योंकि इतने पिलर्स हैं हम गलत हो ही नहीं सकते। इनफैक्ट मैं आपको आई एम स्टिकिंग माय नेक आउट एंड टेलिंग यू टुडे आई डोंट थिंक विद द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अदर पिलर्स दैट वी हैव टुडे इंडिया विल गो टू वॉर विद एनी कंट्री because our foreign ministry is very strong, economically we are really booming ahead of the world, if our internal security is really improved in spite of us being so diverse, so it's for all this to crumble at one time, it cannot crumble at different timings, wo bhi bahut bada important baat hai, एक चीज क्रम्बल कर गया दूसरा अभी भी खड़ा है, जब तक ये क्रम्बल करेगा ये उठेगा, तो एक साथ ये सारी प्रणालियां खत्म हो जाए फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का काम, नहीं हो पाएगा वो, मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है आज के तारीख में,
अमेजिंग पॉइंट्स, अमेजिंग पॉइंट्स। शायद भारत को कुछ सीखना पड़ेगा सैंक्शंस लगाना। नहीं करते हम लोग, हम हमारे जहन में वासुदेव कुटुंबकम है, मेरे जहन में, आपके जहन में, हम कहीं भी जाते हैं आप अपने आप से पूछ लीजिए, देख लीजिए, आप कोई भी ट्यूब लेते हैं या बस में जाते हैं, कोई किसी को भी अगर मदद की जरूरत है हम सबसे पहले खड़े जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे खून में है ये, आज नहीं सदियों से है, जब हम पैदा होते हैं तो ये हम जेनेटिकली लेके आते हैं हमारे अंदर, वासुदेव कुटुंबकम जो है हमारे जीन में है। हम किसी दूसरे इंसान को, किसी भी देश का हो, अब तो इतना ट्रैवल किया मैं, इतना ट्रैवल किया हूं, हम उसको विभिन्न समझते हैं क्या? कभी आपने समझा है? मैंने आज तक नहीं समझा है कि वो इस देश का, उस देश का, मेरे लिए सारा इंसान है, आदमी है, औरत है, बच्चे हैं, मेरे ही जैसे हैं, मेरे ही प्रतिबिंब है। That is a essential, consistent Indian thought actually. और भारतीयों को बदलना भी नहीं चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, कॉपी किसी को करने का जरूरत नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि people should listen to this conversation, कि जो Indian American सुन रहे हैं इसको, they need to understand that we are for everyone, and whether we get back or not, it doesn't matter. आ जाता है बाद में, कुदरत दे देता है आपको, you know. Which is a very important process. और जो भी भारतीय भी देख रहे हैं उसको, मैं कल परसों आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कल परसों, कल परसों मैं कुवैत में था, तीन चार दिन पहले एयरपोर्ट में मैंने किसी को आई थिंक मदद किया होगा या फिर अच्छे से बात कर लिया होगा दो चार बार, आज नहीं दो ढाई साल पहले, वो मेरे को दूर से पकड़ लिया उसने, ऑगस्टिन सर ये वो, फिर उसने, फिर हमने जो दो ढाई साल पहले सेल्फी खींची थी उसके बारे में जिक्र कर रहा था, फिर मेरे को जबरदस्ती ले गया और वो लोकल कुजीन खिलाया, कुछ अजीब सा चाय पिलाया और वो जो रोटी होता है उनका वो खिलाया। ढाई साल पहले मैं 5 मिनट मिला हूं उससे, ही वॉज टेलिंग मी दिस, ही सेड सर हम आपस में भी इतना प्यार से नहीं बात करते हैं जितना भारतीय मूल के लोग जो हैं एक दूसरे से भी और दूसरों से भी बात करते हैं। ये एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी है उसमें कोल्डनेस बहुत रहता है, मैं यहाँ पे डील करता हूँ, बहुत ज्यादा रहता है, एंड आपस में भी बहुत रहता है, लाइक भाई ऑन भाई तो इट्स वर्स देन एनीवन एल्स, तो फॉरगेट अबाउट अदर, बट धीरे धीरे ना इंडियंस आर रबिंग ऑफ ऑन देम, ना हो रहा है, हमारा साइकोलॉजी का तो सारा प्रोग्राम वही लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, so we see that all the time, हम देखते हैं किस तरह बात होती है। और so एक मेरे को लास्ट पॉइंट में भूल जाऊंगा नहीं तो मैं इसको इधर पूछना पड़ेगा, फिर आप अगले शो में बात करेंगे, कि आज अगर मैं, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कोई वॉर की जरूरत नहीं है और होगा भी नहीं क्योंकि भारतीय बाकी फील्डर्स आर वेरी स्ट्रांग, अगर मैं सोल्जरिंग पे कंपेयर करूं और फॉरेन पॉलिसी पे कंपेयर करूं तो भारत तो आज इट इज नो वे पॉसिबल, अमेरिका का तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि प्रेशर कर सके, लेकिन जो एक टू तला की भाषा होती है डिप्लोमेटिक, जो मोस्टली एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी से आती है, जो सुपीरियर माइंडसेट, वो इट्स ए फैक्ट, सुप्रीमेसी माइंडसेट इज ए फैक्ट, वो सारा एक अब्राह्मिक मानसिकता आप सोच सकते हैं कि उस तरह की मानसिकता है। सो डू यू थिंक इंडिया कैन स्टेप अप टू दैट काइंड ऑफ लो लेवल डिस्कशंस और Not at all. देखिए हमारे यहाँ, हमारा सनातन धर्म क्या कहता है, हमारा सनातन धर्म हर एक प्राणी को उतना ही इज्जत देता है जितना हम इंसान को देते हैं, हम हर एक को पूछते हैं, बड़ पेड़ को पूछते हैं, हमारे लिए हर एक प्राणी भगवान समान है। तो जब हर एक प्राणी और एक पत्ता पत्ता बूटा बूटा हमारे लिए भगवान समान है, तो हम कैसे, वही तो बता रहा हूं, ये जो धरोहर जो हमें मिला है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मैं आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आप बोलते हुए मैं मेरी वो आई एम फीलिंग, मैं भावुक हो रहा हूं। मैं लखनऊ में एक स्टेशन कमांड करता था, जब भी मैं ऑफिस से निकलता था, मैं अभी किसी से भी उस समय पूछ लीजिए
बताऊंगा मैं, जब भी मैं ऑफिस से निकलता था, मेरे गाड़ी के पीछे वहां बहुत बंदरों का बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, बहुत सारी गाड़ियां जाती हैं आती हैं, बट मेरे गाड़ी के पीछे चार पांच या एक फैमिली हमेशा मेरे साथ साथ मेरे घर तक आते थे। कुछ देता हूं तो लेते नहीं थे वो लोग, क्योंकि दे वर नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज मेरे स्टेशन में बहुत सारे फलों के पेड़ थे, आम के और बेर के और अमरूद के, और मैंने बोला हुआ था कि ये जो पहले से ही प्राकृतिक पेड़ हैं उससे कोई फल ना तोड़ें, क्योंकि हम तो फल खरीद के खा सकते हैं, ये तो जानवरों के लिए, तो ये फल भगवान ने बना के दिया है तो उनको खाने दीजिए यहाँ पेड़ से। तो हम पेड़ से फल तोड़ते नहीं थे, उसको हमने छोड़ा हुआ था कि पक्षी और ये जानवर खा लें। तो हमारा, मैं कुछ आई मीन मैं देने देने का एक दो बार की कोशिश जरूर किया हूंगा, लेकिन वो बंदरों ने कभी लिया ही नहीं मेरे से, वो सिर्फ मेरे को आशीर्वाद दिए। और मेरे को मेरे हनुमान जी नजर आए हर एक में, और कभी कभी मैं ऐसे ही बैठे उनको देखता रहता था। तो हम हर एक चीज को, हम हर एक प्राणी इस दुनिया में जो हैं, दिखने ना दिखने वाले, वायु अग्नि, हर एक चीज को पूछते हैं, क्योंकि हर एक का महत्व हम जानते हैं। एक एक चीज का भी संतुलन बिगड़ जाता है तो पूरी की पूरी दुनिया खत्म है। वॉटर बिकम्स टू जी मच, यू आर डेड। द वर्ल्ड इज ऑन फायर, यू आर डेड। नो एयर, यू आर डेड। तो हमारे लिए हर चीज हम की ये आराध्य है। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चाहता हूँ शो खत्म ही ना हो, लेकिन आपको जाना है, मैं तो इधर बैठा हुआ, आई कैन बे मोट है। सो इट्स वेरी नहीं, रूड टू ये मेरी ये कोशिश हमेशा रही है कि जो भी मैंने बोला आपको, कोई नई चीज तो नहीं बोला, जो भी मैंने, जो भारतीय सुन रहे हैं उनके लिए तो नई चीज तो है नहीं, इट्स नॉट न्यू, बट पीपल आर नॉट फ्रॉम इंडिया हु कैन नॉट अंडरस्टैंड। वी नॉट ओनली वी डोंट ब्लाइंडली वर्शिप एवरीथिंग, वी वाइल वी वर्शिप वी रिस्पेक्ट एंड वी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी लिटिल एलिमेंट दैट मेक्स दिस ब्लू प्लैनेट अर्थ। वॉटर, फायर, एयर, एवरीथिंग, द लैंड, ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स, दे ऑल आर रिक्वायर्ड इन अ सर्टन बैलेंस फॉर द वर्ल्ड टू एग्जिस्ट इन दिस मैनर, एंड विच इज वाई वी प्रे टू ऑल ऑफ देम। इफ आई एम प्रेइंग टू आदित्य, आई एम एक्चुअली प्रेइंग टू मी, बिकॉज वी ऑल स्टार्टेड फ्रॉम दैट स्मॉल लिटल डॉट कॉल्ड बिग बैंग। And if a big crunch ever happens, we'll go back to that small little dot. So scientifically, you and I coexisted at some point in time. We split now in kilometers apart, but we coexisted. What coexisted? Not only the atoms, molecules, and everything that makes up the universe. Another thing which coexisted in that small little dot is the speech, is this thought process. Is this love? Is this hate? Everything. Everything was in that dot. Everything started from there. What you see, what you don't see, what you feel, what you don't feel, what you say, what you don't say. Everything. What you're going to say, what you said in the future and the past. Everything started from there, including time. Bhagavad Gita says, Shabd ke paurnam rishu. Means the which means that the जो ओम है, ओम the quintessential sound जो है हमारी हरि का जो नाम होता है, ओम बोलते हैं, ओम ईश्वर प्रणिधान। इति वाचा means ओम is the sound of ईश्वर, which is said, which is no, it is a fact. I'll tell you, see, I'll tell you my experience, and not only my experience, people who do meditation, सब किसी से भी पूछ लीजिएगा। अब थोड़ा सा मेडिटेशन करने बैठते हैं तो शुरू शुरू में 3-4 महीने में या 1 महीने में, डिपेंडिंग ऑन हाउ रियलाइज यू आर, यू स्टार्ट हियरिंग द वाइब्रेशन को नाद कहते हैं। दैट नाद इज ओम,
Because at 13 point or 20 plus billion of years, the vibration of the universe is that sound. It's unending. It's blissful. Sometimes it is, to me at least. It is so loud that I have to put some rui in my ears. It is that loud, nad. So my bad tongue, I mean, every day I meditate. So come, sometimes I hit the nad in less than 5 to 10 seconds. And I enjoy the bliss of the nad. That's why you are so effective. Because when meditation doesn't happen in your life, so then you get it carried away by many attractions. और शायद इसीलिए मैं अमेरिका में बचा हुआ हूँ करप्शन से. ये जब करता हूँ मैं और जब करने से जो शक्ति मिलती है, दैट्स व्हाई आई एम सेव्ड फ्रॉम ऑल द नॉनसेंस इन अमेरिका. बचा रहता हूँ मैं सिंस आई केम हियर, तब से कर रहा हूँ रेगुलरली, 2 घंटे करता हूँ. बहुत लोगों को सिखाते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं. 17 ईयर से हम लोग जब सिखा रहे हैं, एटलीस्ट 1 मिलियन अमेरिकन हैव गॉन थ्रू आवर कोर्सेस. 1 मिलियन, एटलीस्ट 1 मिलियन. 17 साल से, 17 साल में 10 लाख हमने टच किया है और अब बढ़ेगा. वो भी हमारा कर्म, वो भी हमारा कर्म है, हमें करना है, करना है. क्योंकि ये जगह आप गए हैं वहां, ये जगह इक्ष्वाकु वंश की आनंद लेके गए. देखिए उस आपके देश में, मेरे घर के पास में उनका आश्रम, घर के पास में सैन डिएगो में इंसिनिटास में उनका आश्रम है. वहां उस जगह का नाम ही है योग आश्रम सड़क, उसका नाम ही जगह का टाइप है. बहुत बहुत धन्यवाद, मेनी थैंक्स टू यू. आज आपके साथ दिल की बातें हुई है और एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू ओपन अप योर हार्ट टुडे. और अब हम और बातें करेंगे बिकॉज जगन्नाथ जी हमको ऐसे लोगों से मिलाते हैं, आपके जैसे लोगों से. सो वी आर कलेक्टिवली, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है कि धर्म से नीति का बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है. अगर धर्म नहीं तो नीति नहीं. सो विद दैट वी I would not like to stop, but we'll end this discussion today. लेकिन अब मैं आपको वापस खींच के लाने वाला हूँ, चाहे आप कितना ही बिजी हो. एंड एक बात मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि डॉक्टर एम जे अगस्टीन जी इज सो अप्रोचेबल एंड ऑनेस्ट एंड इट इज सो ईजी टू कनेक्ट विद ए पर्सन लाइक दिस. और ये बहुत सारे आर्मी लोगों का मैंने देखा है, कर्नल रैना भी आते हैं, वेरी हम्बल पर्सन. अचीवमेंट बहुत ज्यादा है लेकिन वेरी हम्बल. और एंड में जाके धर्म का ही बात आ जाती है, विच इज प्रेडोमिनेंट. और संस्कृत में युज धातु से योग बनता है और युज धातु से योद्धा बनता है. तो योग और योद्धा में कोई फर्क नहीं होता है, कभी कभी दोनों का रूट एक ही है. बिकॉज मन बुद्धि अहंकार को कंट्रोल करने पर ही अच्छा सोल्जर बनता है, एंड मन बुद्धि अहंकार को कंट्रोल करने पर ही अच्छा योगी ही बनता है. अर्जुन वॉज अ योगी एज वेल एज अ योद्धा, विच इज अमेजिंग. एंड अगर किसी का मन बुद्धि कंट्रोल में नहीं है तो लड़ेगा कैसे? वेरी इजी. पुरस्त ऋषि सेज टू अर्जुन, इससे बड़ा कोई योगी नहीं है पृथ्वी पे ड्यूरिंग महाभारत टाइम. एंड इवन दो ही वाज हैविंग ऑल काइंड्स ऑफ वेपन्स, डिवाइन वेपन्स, एंड जो पृथ्वी पे आज नहीं है. थैंक यू सो मच एंड वी विल हैव अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस शो इन द नेक्स्ट शो. तो दर्शकों को बोलूंगा कि आप जुड़िएगा और इस शो को शेयर करिए, यू लव इट, तो दूसरों को भी सिखाइए. प्रणाम टू ऑल ऑफ यू. प्रणाम.